तक पढ़ चुके हैं। लास्ट के कुछ लेक्चर्स मैंने इंग्लिश में बनाए थे और उनमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो हिंदी में भी वो लेक्चर्स चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही हिंदी में भी उनको अवेलेबल करा दूँगी। अभी फ़िलहाल हम एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं और आज का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आज के चैप्टर में कर पाएंगे। फंक्शंस हम लेटर ऑन देखेंगे, इसके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। तो आज हम स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो एंटीबॉडीज़ एक्चुअली होती क्या है ये जानने के लिए हमने एक माउस लिया और उसे एंटीजन से इंजेक्ट किया। उसके बाद हमने माउस का सीरम लिया और उसके दो पार्ट कर लिए, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन के प्रोटीन को हमने प्यूरीफाई किया और उनको इलेक्ट्रोफोराइज यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उनके बैंड्स को क्वांटिफाई कर लिया। सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें अगेन हमने प्यूरीफाइड प्रोटीन्स लिए, इस बार हमने एंटीजन्स के साथ में उनको इनक्यूबेट कर दिया और पीपीटी जो बना हमारा एंटीजन और कुछ हमारे, हमें ये नहीं पता कि एंटीबॉडीज़ हैं यहाँ पे, हमें ये पता है कि एंटीजन के साथ में कुछ तो ऐसा है जो बाइंड करेगा, इम्यून सेल्स हमारी या इम्यून सेल्स से सिक्रेटेड कोई प्रोटीन, कुछ तो ऐसा है जो एंटीजन्स के साथ बाइंड करता है। उसने पीपीटी बना लिया है, उस पीपीटी को हम रिमूव कर रहे हैं। अब फिर से हम वही इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड करेंगे और रिमेनिंग जो पार्ट है पीपीटी रिमूव करने के बाद में जो इलेक्ट्रोफोराइज किया है उस रिमेनिंग पार्ट को हमने, और अब हम रिजल्ट्स देखेंगे। यहाँ देखिए, अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो ब्लू कलर वाला है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और जो ब्लैक कलर है ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो ब्लू वाले पार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो बैंड्स मिले हैं उनकी एब्जॉर्बेंस जब हमने देखी, उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जब उनका एब्जॉर्बेंस का ग्राफ देखा गया तो हमने देखा कि एल्ब्यूमिन और अल्फा बीटा और गामा ग्लोबुलिन, इनके हमें बैंड्स मिले जब हमने फर्स्ट पार्ट को इलेक्ट्रोफोराइज किया। जब हमने सेकेंड पार्ट को इलेक्ट्रोफोराइज किया तो हमें सेम बैंड्स मिले एल्ब्यूमिन, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन के लिए, लेकिन गामा ग्लोबुलिन का जो बैंड था वो बहुत ही, उसकी जो एब्जॉर्बेंस थी वो हमें बहुत ही कम देखने को मिली। इसका मतलब गामा ग्लोबुलिन का कुछ पार्ट यहाँ से गायब हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि एंटीजन से जिन्होंने बाइंड किया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं गामा ग्लोबुलिन का जो पार्ट है, जो उन्होंने एब्जॉर्बेंस यहाँ पर मेजर की है हमने गामा ग्लोबुलिन के लिए, वो बहुत ही कम हो गई है। तो हम देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही वो पार्ट होगा जो कि एंटीजन से हमारा बाइंड कर रहा है। इसका मतलब गामा ग्लोबुलिन ही हमारे एंटीबॉडीज़, इन्हें हमने नाम दिया है, और यही गामा ग्लोबुलिन हमारे एंटीजन से बाइंड करते हैं। सीरम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन बिलोंग टू हिटरोजीनियस कैटेगरी बिकॉज ऑफ मल्टीपल बी सेल एपिटोप्स। Therefore, circulating antibodies produced are of polyclonal type. इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक इन्वेडर यानी एक पैथोजन है और इस पैथोजन के हमें यहाँ पे बहुत सारे एपिटोप्स देखने को मिल रहे हैं, यानी इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे मार्कर्स प्रेजेंट है और इन मार्कर से अलग अलग बी सेल्स बाइंड हो रही हैं, यानी अलग अलग बी सेल के रिसेप्टर्स, ये जो हैं ये हैं एम मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन, MIG मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पर हैं। इनसे बाइंड होकर के ये उसी तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन को सिक्रेट, ये सिक्रेटेड एंटीबॉडीज़ हैं, सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही एंटीजन के अलग अलग एपिटोप्स होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग बी सेल्स बाइंड कर रही हैं और इस तरह से हमें जो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी वो अलग अलग तरह की होंगी। देखिए, थ्री टाइप्स की एंटीबॉडीज़ यहाँ पे हमें शो कर रखी है। तो ये जो हमें यहाँ पे ग्रुप मिल रहा है एंटीबॉडीज़ का, इसे हम कहेंगे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि
ये सारी एंटीबॉडीज एक हेटरोजेनियस कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि एक ही एंटीजन तो एक ही है, इन्वेडर तो एक ही है, लेकिन क्योंकि इसके एपिटोप्स, इसके सरफेस मार्कर्स अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे ये है एक, ये अलग अलग तरह के मार्कर्स क्योंकि इसकी सरफेस पे प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग बी सेल्स से बाइंड करने की वजह से जो एंटीबॉडीज़ ये सीक्रेट कर रही हैं, ये एंटीबॉडीज़ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं। कुछ पॉइंट्स जो हमें यहाँ पर नोट करने हैं वो ये कि एंटीबॉडीज़ हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। नंबर टू, दे कैन बी फाउंड इन मिल्क, टीयर, यूरिन एंड रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर रिमूव्ड थ्रू फैगोसाइटोसिस, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो बॉडी से उन्हें रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है वो फैगोसाइटोसिस होती है। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो तरह की चेन्स देखने को मिलती है, हैवी चेन्स, हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हैवी चेन्स होंगी और लाइट चेन्स होंगी। लाइट चेन्स में हमें दो रीज़न देखने को मिलेंगे, वेरिएबल रीज़न एंड कांस्टेंट रीज़न। इसी तरीके से हैवी चेन में हमें वही दो रीज़न देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट रीज़न है वो फर्दर थ्री रीजन्स में डिवाइडेड है, यानी एक वेरिएबल हैवी चेन का रीज़न, एक हैवी चेन का कांस्टेंट रीज़न, कांस्टेंट रीज़न वन, कांस्टेंट रीज़न टू और कांस्टेंट रीज़न थ्री। तो इस तरह से हमें दो लाइट चेन, दो लाइट चेन, ये देखिए एल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक हैवी चेन यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस तरह से दो हैवी चेन और दो लाइट चेन देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटर चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जबकि ये जो वाले जो डाईसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये हैं इंट्रा चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स, यानी विद इन द चेन, विद इन द हैवी चेन यहाँ पे डाईसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इन्हें हम कह देंगे, क्या कहेंगे इन्हें हम, इंट्रा चेन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रा चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इंट्रा चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे हैं हमारे पास इंट्रा चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, इस वाले जो रीजन, ये वाला जो रीजन है ये एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लेक्सिबल वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं हिंज रीजन। तो हिंज रीजन में ही सारी फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि इंक्लूडेड है, या हिंज रीजन ही एंटीबॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो रीजन्स हैं ये हाइपर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल रीजन में, ये वेरिएबल वी एल रीजन है, लाइट चेन का वेरिएबल, और ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल रीजन में कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन देखने को मिलते हैं, ये जो रीजन्स, इसी तरह से एच चेन में भी हमको कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं इन्हें हम कह देते हैं, इन्हें हम कहते हैं सी डी आर्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटर्मिनिंग रीजन्स, सी डी आर्स भी कहते हैं इन्हें। यही वो रीजन होता है जहाँ पर कि कोई भी एंटीजन का एपिटोप आकर के बाइंड करता है। ये कोई एपिटोप है, मान लीजिए ये एपिटोप है, ये आकर के यहाँ पे बाइंड करता है, तो यही वो रीजन होता है। हाइपर वेरिएबल रीजन के ही ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एपिटोप, और ये यहाँ पर आकर के बाइंड करता है। अब हम एंटीबॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो फ्रेगमेंट्स में,
एफ ए बी और एफ सी। एफ ए बी है एफ एंटीजन बाइंडिंग, यानी जो पार्ट एंटीजन से बाइंड कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एपिटोप बाइंड होता है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये एंटीबॉडी से एंटीजन से बाइंड करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एफ ए बी रीजन। जबकि ये जो वाला जो पार्ट है एफ सी, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, यानी ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मीडिएट करता है। ये फर्दर हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से एफ सी रीजन्स जो हैं ये दूसरे सेल्स के ऊपर बाइंड हो सकती हैं, या एफ सी रीजन से कुछ और प्रोटीन्स बाइंड हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, उनकी वजह से ये आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि हम मैंने अभी आपको फैगोसाइटोसिस बताया, तो एफ सी रीजन्स जो है अगर मैक्रोफेजेस से एंटीबॉडी बाइंड होगी तो एफ सी रीजन से होगी, और यहाँ पे इसके एपिटोप बाइंड होगा तो मैक्रोफेजेस को एंगल्फ कैसे करेगी, एफ सी रीजन के थ्रू इनको एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फैगोसाइटोस कर लेती है। तो इस तरह से हमने जो पूरी प्रोसेस देखी, पूरी स्ट्रक्चर जो हमने देखी, ये है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही वो रीज़न है जहाँ पे एफ सी रीजन है, ये यहीं पे क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन्स भी बाइंड होते हैं, या एंटीबॉडीज़ अगर किसी और सेल्स एंटीबॉडीज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं तो वो भी एफ सी रीजन से ही उस पर जा कर के बाइंड होती है। ठीक है, यहाँ पे आप पेपेन क्लीवेज साइट देख रहे हैं, इसके बारे में हम अभी जस्ट थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर पूरी तरह समझ में आ गई होगी। फ्लेक्सिबल वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, वाई के अंदर यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग है और यहाँ पर फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये वाली जो यहाँ पे हमारे पास दो चेन्स हैं, एक लाइट चेन है और एक हैवी चेन है। हैवी चेन नीचे तक एक्सटेंड करती है जबकि लाइट चेन यहीं तक होती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हिंज रीजन है। लाइट चेन और हैवी चेन दोनों में एक एक वेरिएबल रीजन होता है, और लाइट चेन में एक ही कॉन्स्टेंट रीजन होता है, जबकि हैवी चेन में हमें तीन कॉन्स्टेंट रीजन देखने को मिलते हैं, और वेरिएबल रीजन में हमें कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम CDR कहते हैं, जो कि एपिटोप्स यानी एंटीजन के सरफेस मार्कर से बाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर थी ये एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ हैं वो होस्ट प्रोटीन्स हैं, जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमें एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारी इम्यून सेल्स जो है वो बनाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्लेक्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम हिंज रीजन। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट ओनली इन IgG, IgD एंड IgA। इसका क्या मतलब है कि हिंज रीजन जो है वो क्या होता है, हिंज रीजन जो है ये अमाइनो एसिड्स लिखा है, अमाइनो एसिड्स, हिंज रीजन अमाइनो एसिड्स के का एक शॉर्ट सेगमेंट होता है जो कि ओनली IgG, IgD और IgA में ही प्रेजेंट होता है। बाकी जो बची, कौन कौन सी बची, IgE और IgM, ये एंटीबॉडीज़ के टाइप हैं। एंटीबॉडीज़ आर ऑफ फाइव टाइप्स, IgG, D, A, E और M, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ G, D, A, अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो हम इसे अगेन पढ़ेंगे जब हम एंटीजन के टाइप पढ़ेंगे तब, एंटीबॉडीज़ के जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तब, तो IgG, D और A में ही सिर्फ हिंज रीजन होता है। फाउंड बिटवीन CH1 एंड CH2 ऑफ एच चेन यानी हैवी चेन के कॉन्स्टेंट रीजन 1 और कॉन्स्टेंट रीजन 2 के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं हिंज रीजन। प्रीडोमिनेंट अमाइनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड प्रोलीन। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड का शॉर्ट सेगमेंट है, तो प्रीडोमिनेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं सिस्टीन और प्रोलीन। प्रोलीन क्या करता है, यहाँ पे इट मेंटेन्स द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने का काम प्रोलीन का है, जबकि सिस्टीन जो है वो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए काम आता है। एंजाइमेटिक डाइजेशन, यहाँ मैं आपको वो बताऊँगी कि पेपेन डाइजेशन, पेप्सिन डाइजेशन और मरकैप्टो इथेनॉल का रिडक्शन होने की वजह से किस तरह से एंटीबॉडी के हमको फ्रैगमेंट देखने को मिलते हैं। चलिए,
ये ध्यान से देखिए आप डायग्राम, ये हमारी एंटीबॉडी है। यहाँ पे हमें कौन से बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अब अगर हम पेप्सिन नामक एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम से इसे डाइजेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, यानी पेप्सिन जो है वो यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से हमें दो पार्ट मिलेंगे। ये ऊपर वाला जिसके अंदर एफ ए बी के दो फ्रैगमेंट होंगे, एफ ए बी ये वाला और एफ ए बी ये वाला, इसके दो फ्रैगमेंट एफ ए बी टू प्लस एफ सी के फ्रैगमेंट्स, एफ सी के भी दो फ्रैगमेंट्स अलग अलग हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये एफ सी के फ्रैगमेंट्स हमको अलग अलग मिलेंगे। जबकि हम पेपेन डाइजेशन अगर करते हैं, पेपेन एंजाइम से अगर हमें इसे डाइजेस्ट करते हैं, रिएक्शन अगर इसकी एंटीबॉडी की पेपेन एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एफ ए बी जो है वो अलग अलग हो गया है, क्योंकि इस पेपेन के केस में ये वाला जो ब्रेक बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है, मतलब इस बॉन्ड से ऊपर ब्रेकेज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकेज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको एफ ए बी के दो अलग अलग रीजन मिल जाते हैं और एक एफ सी रीजन मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है पेप्सिन में नीचे और पेपेन में ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं मरकैप्टो इथेनॉल, ये है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल रिडक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं फोर पॉलीपेप्टाइड रीजन्स हमको अलग अलग मिल जाते हैं। ये देखिए फोर पॉलीपेप्टाइड रीजन्स हैं, एच चेन और एल चेन्स। यदि आपको कहा जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमें किसी भी एंटीबॉडी की एच चेन्स और एल चेन्स को सेपरेट करना हो तो हम किस केमिकल का यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का जो प्रोसेस है, इससे हमें एच एंड फ्रेगमेंट सेपरेट किए मिलते हैं, जिनको कि हम सेपरेट कर सकते हैं जेल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर साइज। यहाँ पे हमें कितने बैंड्स मिलेंगे जेल फिल्ट्रेशन में, अगर हम करते हैं जेल फिल्ट्रेशन करते हैं तो हमें दो मिल जाएंगे, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, एक पार्ट में एल चेन्स होंगी और एक पार्ट में यहाँ पे हमारे पास एच चेन्स प्रेजेंट होंगी। इनका री एसोसिएशन नहीं हो इसलिए हम वहाँ पर एक एल्काइलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं और इस एल्काइलेटिंग एजेंट का नाम है आयोडो एसिटिक एसिड। ये इनका री एसोसिएशन प्रिवेंट करता है, अदरवाइज ये री एसोसिएट होकर फिर से जो है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में चेंज हो सकती है। सो इस तरह से आपने देखा आज का जो लेक्चर था, इसमें हमने एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ कौन सा पार्ट होती हैं सीरम प्रोटीन्स का, गामा ग्लोबुलिन पार्ट होती हैं, ये सबसे पहले हमने देखा, एंटीजन की स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखी, और उसके बाद हमने देखा कि अगर एंटीबॉडीज़ का एंजाइमेटिक डाइजेशन कराया जाता है तो हमें कितने फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और किस किस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में आई थिंक प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा और अब आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आते हैं। यहाँ अभी मैं कुछ भी क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं कुछ पार्ट पहले आपको कंप्लीट करा दूँ, फिर क्वेश्चंस जो हैं उसका मैं कंप्लीट एक सेशन रखूँगी, पूरी इम्यूनोलॉजी नहीं, उससे पहले ही रखूँगी, जितना पार्ट से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं पहले उतने पार्ट तक कवर हो जाए, उसके बाद में हम एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ क्वेश्चंस का बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि ये आपका खुद का चॉइस है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और चलिए तो फिर इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद है कि जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।